हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। माय नेम इज़ अर्पिता और आज मेरा बर्थडे है। सो मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि द सीक्रेट बुक जो मैंने पढ़ी है उसका मैं एक रिव्यू दूंगी, या तो इट्स मोर लाइक ये जो बुक मैंने पढ़ी है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी एंड लुकिंग बैक आई रियलाइज कि डेफिनेटली वर्क्स फॉर मी। और ये बहुत पावरफुल इसमें जो चीज़ें वो लिखी हुई है एंड काफ़ी टाइम बाद मैंने ये बुक वापस मुझे मिली एंड आई रेड इट अगेन। सो ये एक रिफ्रेशर जैसा था एंड टुडे इट्स मोर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द सीक्रेट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं अपने लिए मेरे बर्थडे के दिन इसका एप्लीकेशन यू नो आई जस्ट ट्राई इट आउट एंड विल सी कि थोड़े टाइम बाद हम देख सकते हैं वेदर इट वर्क और नॉट। ओके सो ये है बुक। मुझे इसका कवर बहुत ही पसंद है क्योंकि ऐसे लगता है ये हिस्टोरिकल यू नो बहुत टाइम पहले से सेंचुरीज पहले किसी ने ये कवर बनाया है। ऐसा लगता है ये स्टैम्प इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। बहुत ही प्यारी सी बहुत ही इजी वर्ड्स में और बहुत सिंपल वर्ड्स में ये बुक लिखी गई है रोंडा बायरन ने एंड इट इज़ वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स। अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं, बट फॉर मी पर्सनली जब मैंने पढ़ी थी तो मेरे लिए वर्क करती है और बहुत सारी चीज़ों में मेरे लाइफ में ये बुक वर्क की है। सो ओके सो लेट्स आई विल टेल यू मोर अबाउट इट लेटर, बट इन दिस आई एम जस्ट गोइंग टॉक अबाउट जो सिंपल वे में जो मुझे समझ में आया है। सो इस बुक में 3 स्टेप्स दी हुई है कि पहली स्टेप है कि आपको You need to ask the universe. So, इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रोंडा बायरन ने मेंशन किया है। सो बेसिकली द होल बुक इज़ अबाउट कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल सकता है इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेक्टली। सो अगर आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही पावरफुल लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्स का बहुत पावरफुल लॉ है, अगर आप इसे समझते हैं और आप इसको अप्लाई करना सीख जाते हैं सो डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में जो भी आपको चाहिए आप वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोना रीड आउट फ्यू, मैंने इसमें हाइलाइटिंग पॉइंट्स इसमें मेंशन किए हैं, सो आई एम जस्ट गोना लुक एट इट। सो द बेसिकली द सीक्रेट जो ये बुक है उसका जो द सीक्रेट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या सो आई एम जस्ट गोना रीड दिस लाइन्स आउट। Everything that's coming into your life, you're attracting into your life. And it's attracted to you by virtue of the images you're holding in your mind. It's what you're thinking, whatever is going on in your mind, you're attracting to you. Every thought of yours is a real thing, it's a force. So basically, Rhonda Byron ये बताया है कि law of attraction, जब beginning of time, you know, centuries back, जब से time है तब से ये law work करता है. एंड जो तुम्हारे आपके थॉट्स हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल अबाउट आप क्या सोच रहे हैं, यू नो इन योर माइंड जो आपका रेपिटेटिव रिकरिंग थॉट जो होता है वो थॉट काफ़ी पावरफुल होता है, वो ही आपकी लाइफ क्रिएट कर रहा है। यू नो हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ कैसे हो गया, कुछ चीज़ें ऑफकोर्स आई डोंट नो इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, बट अकॉर्डिंग टू दिस बुक द सीक्रेट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच सेज जो आपके दिमाग में आप इमेजेस होल्ड कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं जो आपका रिकरिंग थॉट है वही आप अट्रैक्ट करते हैं। ओके सो ये लॉ के बारे में, ओके लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। इट सेज कि जो ये लॉ है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप इज आस्क। ओके सो व्हाट इट सेज इज यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि जो भी आपको चीज़ चाहिए आपको उसके लिए बहुत ही क्लियर और प्रिसाइसली आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। सो यू कैन नॉट बी लाइक अच्छा मुझे ये चाहिए ये चाहिए। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो आई एम गोना ट्राई अ नंबर। सो लेट्स से $5 million। सो आई एम जस्ट गोना राइट इट आउट इन दिस $5 million विच इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ओके सो द लॉ सेज फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू आस्क द यूनिवर्स वेरी क्लियरली। आपको यूनिवर्स को कमांड देना, यू नो जीनी होता था अलादीन का एंड जो जीनी आता था सो इट यूज़ टू से कि योर विश इज़ माई कमांड। इन अ सिमिलर वे यू नीड टू आस्क द यूनिवर्स जो चीज़ आपको चाहिए आपको क्लियर शब्दों में बहुत ही प्रिसाइस वे में यू नीड टू डिक्लेयर इट टू द यूनिवर्स। आपको डिक्लेयर करना है बहुत ही क्लियर और प्रिसाइस शब्दों में। सो आई हैव रिटन $5 million हियर।
ओके, एंड देन यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द टाइमलाइन. सो आपको उस टाइमलाइन के बारे में भी क्लियर होना है. सो आई एम गोइंग टू राइट इन 5 years. इन 5 years. So whatever you're asking the universe, the step number one, you need to be very clear and precise about what you want. And आपको वो declare करना है universe को बहुत clear शब्दों में. और so I'm going to write it down. This is one of the techniques mentioned in the book. So you write it down clearly and precisely and declare it to the universe what you want. So we have done that just now, which is the step one, okay? Now the step two is you need to believe, okay? So it's not like something I write the number and I don't believe in it. So आपको जो भी चीज़ चाहिए और आप जो भी पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, आपको ये बिलीव करना है कि वो चीज़ आपको मिलेगी, नंबर वन. नंबर टू इज़ आपको ये भी होना चाहिए कि आप वो डिज़र्व करते हैं, यू नो. सो आई कम्प्लीटली वेदर यू बिलीव दिस दैट यू डिज़र्व लाइक 5 million ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वेदर आई डिज़र्व दिस इन 5 years, श्योर आई कम्प्लीटली बिलीव दिस कि ये हो सकता है एंड दिस इज समथिंग आई डिज़र्व टोटली. सो आपको नंबर टू है, यू आपको उसमें कम्प्लीट फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं कि वो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलना डेफिनेटली चाहिए. ओके, सो दैट्स द स्टेप नंबर टू. नाउ द स्टेप नंबर थ्री इज, सो दिस इज इन 3 steps. नंबर थर्ड स्टेप इज receive. Okay, so number third step is receive. So पहली बात आपको वो clear होना चाहिए, आप declare करिए. Second step is you need to believe in it, you need to have complete faith in it कि आपको ये मिलेगा within this timeline और आप ये deserve करते हैं. And number three is receive. So when I say receive कि आपको वो चीज़ आपने imagine करनी है कि आपको मिल गई है, ठीक है. सो इट्स नॉट समथिंग कि आपको ये मिलेगा तो ऐसा होगा, नो. यू नीड टू फील, आपको वो फील करना है कि ये चीज़ आपको मिल गई है ऑलरेडी. ये नहीं कि आपको ये तब मिलेगी, आपको अभी सोचना है अपने माइंड में कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे दिया है. एंड देन यू हैव टू ऐड फीलिंग्स टू इट. यू नीड टू फील कि अब मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है. सो नाउ आई नीड टू फील, ओके, आई हैव mentioned $5 million in 5 years. Now I have to feel that I have already received it. Ab mujhe wo feeling jo happiness feel ho rahi hai wo mujhe ab feel karni hai. Okay, so number 3 is receive, but then you need to feel as if the same emotion you need to experience and feel what you are going to feel after whatever you have declared, after you receive that thing. So of course, I'm feeling the happiness and joy that I'm going to experience once I receive this now. Okay, so feeling is absolutely important. Iske alawa bhi is book mein ek aur cheez hai ki decide what you want. Okay, believe you can have it, believe you deserve it, and believe it's possible for you. So aapko possible, aapko completely believe karna hai ki aapke liye possible hai. And then close your eyes every day for several minutes and visualize what you already want, feeling the feelings of already having it. Come out of that and focus on what you're grateful for already and really enjoy it. Then go into your day and release it to the universe and trust that the universe will figure out how to manifest it. So basically what they're saying is, now the other important part of this is visualization. So visualization, aapko during the day jo bhi chahiye, aapko wo complete image visualize karni. You need to close your eyes and visualize whatever it is. Like agar aapko koi ghar aap chahte, to you need to visualize ki uski minor details, kitna bada ghar hoga, kitni levels hongi, kaun se color ki walls hongi, aap usko decorate kaise karenge, usme seedhiya kaisi hogi, you know. You need to be very clear about आपका कोई भी जो vision है, कोई dream है जो आप universe को ask कर रहे हैं, you need to be, you should be able to visualize it in your head. ठीक है, आपको आँखें बंद करके उसको during the day कई बार visualize करना है. And आप जितनी details में उसको visualize करेंगे उतना powerful it's gonna be. क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमें चाहिए हम हमारे दिमाग में ये आपने बुक नहीं भी पढ़ी होगी तो भी आप विजुलाइज करते हैं. जैसे कोई ट्रिप है आपको जाना है तो आपके दिमाग में नो अ डे बिफोर यू गेट रियली एक्साइटेड कि यहाँ वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा एंड यू विजुलाइज इट इन योर हेड.
और वो विजुलाइजेशन बहुत ही पावरफुल होता है एंड वो ही उसको अट्रैक्ट करता है. सो द पावर ऑफ विजुलाइजेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इट इन माइंड. सो आई एम गोइंग टू डू द सेम दैट ओके आई एम गोइंग टू क्लोज माई आईज. आई एम गोइंग टू विजुलाइज दैट आई हैव declared $5 million in 5 years and I've received it and now how I'm celebrating ki main usko celebrate kaise kar rahi hu main you know apne parents ke sath manthan ke sath aur hum bahar ja rahe. So all these images you need to visualize in your head. Okay, so that's another thing. Aur uske baad gratitude ka isme bahut bahut important mention kiya gaya hai कि आप ऑलरेडी अगर ग्रेटफुल है यू नो बेड में जाने से पहले ही आपने बहुत ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि आपने यूनिवर्स को थैंक्स देना चाहिए फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ और जो चीज़ें आपको चाहिए. क्योंकि अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि आपको ऑलरेडी मिल गई है एंड यू आर सेइंग थैंक्स फॉर इट दैट इज़ अ ग्रैटिट्यूड. सो ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस यू नीड टू डू रेगुलरली क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम वो चीज़ को बहुत ईजिली अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है एंड सो आई एम गोइंग टू रीड फ्यू पॉइंट्स आउट. ओके सो इसमें ये मैंशन है कि थिंक अबाउट द इन्वेंटर्स एंड द इन्वेंशंस द राइट ब्रदर्स ठीक है एंड द प्लेन जॉर्ज ईस्टमैन एंड द फिल्म थॉमस एडिसन एंड द लाइट बल्ब Alexander Graham Bell and the telephone. The only way anything has ever been invented or created is because one person saw a picture in his mind, he saw it clearly, and by holding that picture of the end result in his mind, all the forces of the universe brought his invention into the world through him. These men knew the secret. So basically, ye jo jitne bhi inventors the, you know, whether Wright brothers or plane ka le lo ya to fir George Eastman and film Thomas Edison and the light bulb Alexander Graham Bell and the phone. To in logo ne pehle jo kiya tha unhone visualize kiya tha apni aankhein band karke unke samne ye visual aata tha aur bahut clearly aata tha. पहले ही जो शुरू होता है ये इन्वेंशंस की यहाँ से प्लेन जाएगा उन्होंने ये विजुलाइज़ किया था कि ऐसा कुछ होगा जो हवा में उड़ेगा और यू नो इट कैन फ्लाई. तो पहले इट केम एज अ विजुलाइजेशन इन देयर हेड. सो दीज ऑल दीज ग्रेट इन्वेंटर्स इनको द सीक्रेट पता थी इनको ये विजुलाइजेशंस पे कम्प्लीट फेथ था बिलीफ जो उन्होंने इनिशियली इट स्टार्टेड विद द बिलीफ कि ऐसा हम कर सकते हैं और एंड देन वो जो विजुलाइजेशन के जो थॉट्स इतने पावरफुल थे कि ऑटोमेटिकली वो उनकी तरफ वो इन्वेंशन अट्रैक्ट हुए एंड इट वर्कड आउट एंड ऑफकोर्स दे वर्क हार्ड फॉर इट. सो यू नीड टू वर्क हार्ड एज वेल. ऐसे नहीं कि आपको कुछ चीज़ चाहिए ना चाहिए बोल कर आप कुछ नहीं कर रहे. यू नीड टू एक्ट ऑन इट. बट अब आपको ये चीज़ चाहिए बट द हाउ पार्ट यू नीड टू लीव टू द क्रिएटिव फोर्स इट्सेल्फ. सो आपको यूनिवर्स में का जो हाउ कैसे कोई चीज़ आपको मिलेगी वो आप नहीं सोचेंगे. ऑफ कोर्स यू विल टेक स्टेप्स एंड यू विल टेक एक्शंस और आप चीज़ें करेंगे बट कोई चीज़ आपको चाहिए आप विजुलाइज कीजिए आप डिक्लेयर कीजिए ऑल दीज थ्री स्टेप्स देन यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट यू जस्ट वर्क टूवर्ड्स इट. हाउ पार्ट यू लीव इट टू द यूनिवर्स विल शो यू कि ये चीज़ें आपके लाइफ में कैसे आ सकती है वो यूनिवर्स आपको बताएगा. ओके सो नाउ दिस थिंग विच हैव रिटन $5 million In 5 years. Today is my birthday, so I'm going to write the date, 21st April 2024. Okay, so I'll make this chit and isko main mera jo chhota sa suitcase hai isme already there's money in it, so isme main dal dungi. Okay, and we'll see whether that works out. Okay, now before I finish it, so basically it says that everything your thoughts are so powerful you need to be very careful. इसलिए बोलते हैं जो आप जो सोच रहे हैं आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए उस बारे में. जो मूवी का ये जो डायलॉग था शाहरुख की मूवी का कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. सो बेसिकली इट्स एक्सप्लेनिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आलिया भट्ट का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो विजुलाइज़ करते हैं कोई अवार्ड उनको मिल गया है मिरर के सामने वो ऑलरेडी थैंक्स यू नो शी इज़ ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग कि वो स्पीच में थैंक यू कैसे बोलेगी एंड शी हैज़ वो अज्यूम करते कि वो अवार्ड उनको ऑलरेडी मिल गया है. सो ऑल दीज फेमस
people, of course, and then I talked about all these inventors and scientists who knew the secret. ठीक है, so ये बहुत ही simple law है, but ये बहुत beautifully work करता है. For me, it has always worked because even when I was in India, जब मैंने dream किया कि मुझे abroad जाना है, I had no money, but it just worked out. अपने आप चीज़ें link होते गई, and I used to imagine कि मैं abroad में हूँ, you know, और मुझे वहाँ मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ, और यू नो वट एवर, लाइक आई बॉट अ कार, ऑल दीज थिंग्स. मेरी एग्ज़ाम्स जब हुई, APC एग्ज़ाम्स, मैंने ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल एग्ज़ाम पास की, आई यूज़ टू इमेजिन कि मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम पास कर रही हूँ, एंड देन हाउ आई एम फीलिंग, ऑल दीज विजुअलाइजेशंस आई यूज़ टू डू. सो ऑल दीज एग्ज़ाम्स व्हिच वर डिफ़िकल्ट, आई क्लियर इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. देन वेदर इट्स अ लाइसेंस एग्ज़ाम, वेदर इट्स अ यू नो कमिंग अब्रॉड, इट्स कम्प्लीटिंग माई मास्टर्स, इट्स बाइंग अ कार, वट एवर इट इज़, I apply the secret because it works beautifully. And once you know how to, you know, attract all these things to you, aapke liye bhi ye bahut acche se work karega. So I hope ki is video se aapko kuch seekhne ke liye mila ho. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.